है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सीएस रैंक में भाई 5 डे चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा 2 डेज हो चुका है। 2 डेज में मेरा 20 स्टार कंप्लीट किया था और इसमें देखना गाइस कितना हो पाएगा। और सीएस में एक बहुत ही बुरा हाल क्या है पता है, अगर भाई आपका माइनस प्लस अगर स्टार्ट हो जाएगा ना एक बार बोया एक बार माइनस, तो भाई होता जाएगा। एक्चुअली होता क्या है भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब कि मैं पिछले वाले वीडियो में 72 करके छोड़ दिया था, देन गाइस मैं फिर से अपना मतलब प्लस करने के लिए स्टार्ट किया और भाई इतना ज्यादा माइनस लग गया ना मेरा, मतलब कि भाई 66 में आ गया था। देन गाइस उसे रिकवर करने के बाद फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट अभी हो रहा है और जितना हाई स्कोर जा रहा है मेरा उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। बिकॉज बहुत ही ज्यादा वीडियो में मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया कलर निकला है। एंड भाई आप लोग जो जो देखते हो उसको तो भाई पता ही होगा 2 डेज में कितना ही डिफिकल्ट लगा, मेरा फ्रेंड लिस्ट में जो उसे तो पता ही होगा गाइस कितना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है प्लस करने में। तो भाई आप लोग अभी देखो एंड एंजॉय करो, अभी तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट राउंड में भाई कुछ भी हो मैं ग्रेनेड ही लेता हूँ, और ग्रेनेड से मैं देखो यहाँ पे 2 प्लेयर सामने था तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ अपने आप को। उसके बाद गई देखो यहाँ पे 2 प्लेयर मेरे को दिखता है एंड मैं ग्रेनेड कर देता हूँ। अब ग्रेनेड करने के बाद गई एक प्लेयर को काफी डैमेज लगता है और एक प्लेयर मेरा डाउन हो जाता है। अब डाउन होने के बाद देखो मेरा फ्रेंड वहाँ पे मार रहा है एक प्लेयर को एंड उसे भी डाउन कर देता है थोड़ी देर बाद, और जिसे मैं डाउन किया था ना वो रिवाइव हो जाता है और भाई मैं दोबारा से मार के उसको मार देता हूँ, फिनिश करता हूँ एंड मेरा प्लेयर जाके मार देता है और ये हमारा फर्स्ट राउंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल जाता है। इसके बाद गई हमारा 2 राउंड हो चुका था और सामने वाले का 1 राउंड, और यहाँ पे इतना गलत सीन होता है ना, देखना यहाँ पे एक प्लेयर आ रहा है और उसको काफी डैमेज देके डाउन भी कर दिया बिकॉज मेरे को पीछे से मार दिया अचानक से भाई पता नहीं। और मेरा फ्रेंड भी आता है यहाँ पे, देखना कितना गलत सीन होता है, उसको भी डाउन देता है, मतलब दोनों एक दूसरे का डाउन देता है बिकॉज उसके पास था डिमिट्री जिसके कारण वो बच जाता है सेल्फ रिवाइव से। और मेरा फ्रेंड देखो ऊपर में लगाता है भाई डिमिट्री को, उसे पता ही नहीं कहाँ पे लगाना है। एंड देखो यहाँ पे 2 vs 4 का सिचुएशन होता है और थोड़ी देर बाद 1 vs 4 का सिचुएशन होता है। देन गाइस एक को ये डैमेज देता है एंड डाउन होता है, दूसरे को भी डाउन कर देता है। अब 2 प्लेयर बाकी रहता है, अब देखना ये है क्या ये निकाल पाएगा क्लच एंड एक को फिनिश करता है गाइस। और भाई फिनिश करने के बाद सामने निकलता है और भाई यहाँ पे देखो एक को काफी डैमेज देता है, हेड लगा एंड भाई यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैरेक्टर ऑन किया। लास्ट प्लेयर बाकी है, अगर वो मार दे बहुत ही मजा आ जाएगा। और भाई यहाँ पे एज कर दिया यार, बहुत ही मजा आ गया, मतलब कि 3रा राउंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा फ्रेंड ने निकाल दिया। अब हमारा 3 और सामने प्लेयर का भाई 1 हो गया था, तो वो सब तो थोड़ा सा सही से खेलेगा क्योंकि वो सबको कमबैक करना है बिकॉज गाइस हम लोग को भाई छोड़ना नहीं है चांस। और देखो मैं ग्रेनेड करता हूँ पीछे आ जाता है, तो मैं पीछे निकलता हूँ एंड होमर चार्ज करता हूँ गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा स्क्वाड शायद से रश कर रहा था। देन गाइस देखो यहाँ पे तो एक प्लेयर को मेरा डाउन भी कर देता है, तो भाई यहाँ ग्रेनेड कर रहा था, मैं पीछे निकलता हूँ एंड यहाँ पे एक ग्लोबल कवर अपना बनाता हूँ गाइस एंड यहाँ से बहुत ही मजा आता है, मतलब एक भाई जितना भी ग्लोबल लगा पड़ा है सबको तोड़ देता हूँ और डाउन भी करता हूँ प्लेयर को। और हमारा 3 राउंड है तो थोड़ा सा तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि कोई प्रेशर नहीं है एंड एक को फिर से डाउन करता हूँ गाइस एंड फिनिश लेता हूँ और भाई ग्लोबल पूरा तोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एमओ बहुत ज्यादा था, तो पूरा ग्लोबल तोड़ता जाता हूँ। यहाँ पे देखो लास्ट प्लेयर बाकी रहता है जो कि मेरे पीछे था और अचानक से देखा गाइस एंड भाई बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मार दिया और भाई फर्स्ट मैच हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोया जाता है। यहाँ पे हो जाता है हमारा 73। अब हमारा नेक्स्ट मैच होता है जिसमें गाइस हमारा 1 और सामने प्लेयर का 2 राउंड हो चुका था और मेरे पास एक ग्रेनेड था जिसका कमल मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मचाऊंगा, देखना यहाँ पे मेरा होमर था, होमर चार्ज हुआ एंड सामने प्लेयर को लगा और भाई मौको से दिख जाता है बंदा किधर है और भाई रेंडमली मारता हूँ, इधर भी 2 ग्रेनेड जाता है उधर 2 ग्रेनेड, जो कि 2 प्लेयर डाउन हो जाता है। आई डोंट नो मेरे से डाउन हुआ या किसी, लेकिन एक प्लेयर को कन्फर्म मेरे से डाउन हुआ। भाई जल्दी से गुल्लर फोड़ता हूँ एंड भाई फिनिश करता हूँ। यहाँ पे 2 बंदा डाउन हो चुका था और 2 बंदा डाउन होने के बाद मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि एक प्लेयर नीचे ही था, मेरे को दिख गया था भाई, और वही देखने के बाद मैं नीचे जाता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं था। एंड देखो यहाँ पे है, ओके ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद मेरा फ्रेंड सब मार देता है भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से और यहाँ पे हमारा 2-2 का सिचुएशन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड जो कि भाई 2-2 हो गया था और एक प्लेयर सामने आ रहा था जिसको मैं काफी डैमेज देता हूँ, डाउन भी करता हूँ बिकॉज मेरे को ये बंदा काफी मारता है एंड भाई मैंने आपको गुलवा लगा के पैक कर लेता हूँ। और देखो मेरे पे ही रश कर रहा था बंदा और मोको ऑन हुआ गाइस एंड मेरे पे रश कर रहा था बिकॉज मैं अपने को कवर लिया और थोड़ा देर बाद उसको डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे 2 प्लेयर डाउन होने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे एक प्लेयर और आ रहा था जो कि गाइस मैं फिनिश करना चाहा बट एक और था जिसको मैं मार दिया। अब 3 प्लेट डाउन होने के बाद मैं अपना फ्रेंड को बोल देता हूँ कि भाई मेरा एस है तो भाई कोई मारना मत। देन गाइस देखो यहाँ पे मेरा फ्रेंड तो मारने वाला नहीं था बिकॉज गाइस यहाँ पे पता नहीं वो बंदा कौन था, आई डोंट नो, यहाँ पे आके फिश से मार रहा था जो कि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वार्टर कर दिया और भाई 3 राउंड हमारा हो गया था। अब 3 तो हो ही गया था तो भाई ये वाला राउंड तो निकालना ही पड़ेगा बहुत ही गजब तरीके से। एंड देखो सामने प्लेयर था जिसको मैं काफी डैमेज दिया और उधर से भी ग्रेनेड फेंक रहा था जो मैं ग्लोबल लगा के आगे बच गया। अब देखो यहाँ पे सामने भी एक प्लेयर सामने है एंड ऊपर के साइड पूरे के पूरे स्क्वाड चला गया था, तो आगे जाने से बेटर मेरे को सामने जाने का लगा सही एंड मैं अपने फ्रेंड के पास चला गया और देखो 3 करेक्टर का पूरा ब्लॉक कर दिया, मतलब करेक्टर। एंड देखो यहाँ पे एक को डैमेज दिया काफी और भाई गुलवल तोड़ता जा रहा था, मतलब गुलवल की कमी नहीं थी यहाँ पे उसकी एंड में भाई पूरा एमओ भर दिया एंड गुलवल भी तोड़ रहा था, मतलब बंदे को कम लग रहा था गोली एंड गुलवल को ज्यादा और गुलवल तोड़ते तोड़ते पूरे के पूरे स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो गया और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे बोया निकालने गए। और डिफिकल्ट तो मत ही पूछो यार, आप लोगों को मैं बता के गेम प्ले कर रहा हूँ तो आप लोगों को ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा बिकॉज खेलने के टाइम पे इतना
बड़ा हार्ड लग रहा था, क्या ही बताऊं। देन हमारा नेक्स्ट वाला मैच भी बोया होता है, और भाई ये ना मतलब कभी कभी कलच इतना गंदा निकल जाता है कि क्या ही बोलूं भाई, 3-4 से जीतना पड़ता है एंड वो सभी दिखेगा। और हमारे यहाँ पे 3 का स्ट्रिक हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट वाले राउंड में हम लोग का भाई देखो 2 राउंड था और सामने प्लेयर का 3, तो भाई प्रेशर तो हम लोग को बना रहेगा बिकॉज यहाँ पे सामने वाले प्लेयर एक ही बाकी रहता है थोड़ी देर बाद। और ये वाला राउंड तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं बिकॉज गाइस आप देखो मैं यहाँ पे अपना रिस्क नहीं लेने के चक्कर में ऊपर में आ गया, और ऊपर छत के आने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड बंदा था एंड राइट में था, राइट वाले को मार दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और एक था गाइस घर में जो अभी तक तो मैं देखा नहीं था, और देखने के बाद में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मारा, 2 डाउन मैंने निकाल दिया। अब तो भाई हम लोग का बोया बहुत ही बेहतरीन तरीके से था एंड देखो नीचे भी था बंदा जिसको मैं डैमेज देना चाहा बट हुआ नहीं, और एक प्लेयर जा रहा था सामने। अब उधर 2 प्लेयर बाकी था और थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेंड भी एक प्लेयर को डाउन कर देता है जो कि सामने प्लेयर है एंड एक प्लेयर बाकी रहता है, और भाई वो मेरे को हेडशॉट देके डाउन करता है बिकॉज मेरा फ्रेंड उसको मार के एंड बोया निकाल देता है। और ये भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब क्लच नहीं था फिर भी हम लोग क्लच निकाल लिए, और यहाँ पे हमारा स्टार और एक प्लस हो जाता है और यहाँ पे हमारा 76 का हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट वाला मैच भी बोया होता है और ये हमारा 5 का स्ट्रिक था गाइस। हाँ गाइस 5 का स्ट्रिक और 77 का स्टार हो जाता है यहाँ पे मेरा। देन अगेन नेक्स्ट वाले मैच में भाई इतना गलत सीन होता है, देखो मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ और भाई ग्रेनेड से बहुत ही बेहतरीन डैमेज भी लगेगा देखना। यहाँ पे मैं होमर ऑन किया एंड ग्रेनेड, भाई ग्रेनेड काफी अच्छे तरीके से लगेगा एंड देखो यहाँ पे मेरा फ्रेंड सब जा रहा था और भाई एक डाउन कर दिया। अब एक डाउन हुआ, 2 डाउन हो गया, और 2 डाउन होने के बाद मैं जल्दी से जाता हूँ बिकॉज वहाँ पे एक फ्रेंड होता है उसका जो पूरे के पूरे स्क्वाड वहाँ पे बचा लेता है। और देखो मैं हेड भी देता हूँ बट मेरा किल यहाँ पे बहुत ही गंदा तरीके से चोरी होता है दोस्तों। अब यहाँ पे भाई 2 डाउन था ही मेरा और 2 किल फिनिश हो ही जाता है। और गाइस ये हमारा होता है 5 स्ट्रिक के बाद गेम प्ले। और दोस्तों ऐसे ही करते करते भाई हमारा 3 राउंड हो जाता है उस उधर का 1 राउंड, और यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोया निकाल लेते हैं और हमारा 77 हो गया था, और अब की बार होने वाला है हमारा 78 का, और स्ट्रिक भी लग रहा था जिसमें मेरा 6 का स्ट्रिक इसमें हो गया। और नेक्स्ट वाला मैच भी हमारा बोया होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिसमें मेरा 79 का हो गया स्टार एंड स्ट्रिक भी 7 का स्ट्रिक लग गया था। अब गाइस मैच डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो ए वाला राउंड में भाई हम लोग 3 मतलब सामने वाले प्लेयर का 3 हो गया था और हमारा 2, और हाँ गाइस हमारा 0 था, 2 भाई बहुत ही गंदा तरीके से किए हैं। और देखो मेरे को काफी डैमेज दे दिया एंड मेरे पास ग्रेनेड था, ग्रेनेड से काफी डैमेज देता हूँ एंड डाउन भी हो जाता है। डाउन होने के बाद देखो भाग रहा था बंदा एक जो मेरा फ्रेंड जाके मार देता है। अब देखो यहाँ पे 3-2 का सस्पेंशन होता है बिकॉज भाई 3-2 का सस्पेंशन होता है भाई, निकाल भी सकता है बंदे बहुत हार्ड हार्ड आने लगे, मतलब रात को कुछ ज्यादा हार्ड आते बंदे। देन गाइस देखो यहाँ पे अब एक प्लेयर बाकी रहता है और भाई अब हम लोग को पता चल जाता है भाई हम लोग निकाल लेंगे बिकॉज थोड़ी देर बाद ना वो रिवाइव हो जाता है और 2 फिर से हो जाता है, और भाई मेरा फ्रेंड जाके वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लेता है। अब देखो 3-3 हो गया तो भाई दोनों तरफ से प्रेशर हो गया कि भाई जीतेगा कौन है हारेगा कौन, और हम लोग को हारना नहीं है बिकॉज देखो यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रेनेड किया एंड डैमेज तो नहीं पड़ा, और भाई हम लोग रश कर देते हैं क्योंकि एक को डैमेज थोड़ा सा पड़ा था और भाई एक ही यहाँ पे प्लेयर था जो कि मैं अपना फ्रेंड को बुलाता हूँ एंड यहाँ पे ग्लोवल पैक था गाइस और ग्लोवल फोड़ना लगा मैं, और मेरा फ्रेंड भी आया था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर वो निकलेगा तो मरने ही वाला है एंड यहाँ पे वो मर गया। अब भाई 3-2 का सिस्टम होता है और थोड़ी देर बाद 2 बंदे रहते हैं सामने प्लेयर, और जो कि गाइस वो लेना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और भाई सामने प्लेयर था जिसको डैमेज तो नहीं दिया बिकॉज मेरा फ्रेंड सब मिलकर मार दिया, और यहाँ पे बहुत ही गंदा तरीके से था बट बोया तो निकल जाता हमारा। और भाई अब तो इसका मतलब हमारा तो अब कंप्लीट होने वाला है जितना प्लस करना था। देन हमारा यहाँ पे अभी 80 का स्टार हो जाता है। अब हर एक मैच में भाई इतना ही डिफिकल्ट होने लगा, मतलब कि भाई 3 राउंड लगातार हार जाते थे, मतलब आई डोंट नो क्या हो रहा था भाई, 3 राउंड लगातार हारा के फिर लोल रिमोट दिखा रहा, फिर हम लोग कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पे एक प्लेयर को मैं डाउन किया, मतलब डाउन नहीं डैमेज दिया एंड मोको करेक्ट राउंड हुआ, मेरा फ्रेंड सब देख लेता भाई बंदे किधर है। देन थोड़ी देर बाद मेरे को और एक ग्रेनेड मेरे को मिल जाता है जो मेरा फ्रेंड देता है, और भाई यहाँ से मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डैमेज देता हूँ बिकॉज डाउन तो नहीं होता है, और मैं रश करने जाता हूँ। यहाँ पे देखना कितना गलत सीन होता है, तत्सुआ करेक्टर अचानक ऑन करता है, मेरे को दिखता नहीं है गाइस अचानक से, एंड देखो यहाँ पे 2 प्लेयर आके मेरे को भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाउन करता है। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे मेरा फ्रेंड 2 बाकी रहता है जो कि गाइस अब डिफिकल्ट होने वाला है भाई, हार जाने वाला है बिकॉज मेरे को थोड़ी देर बाद रिवाइव मिल जाता है एंड हम दोनों भाई मेरे पास होमर था जो कि होमर से पता चलता है प्लेयर किधर है एंड भाई मैं अंधाधुंध रश कर देता हूँ जो मेरे को नहीं करना था, और यहाँ पे मैं डाउन हो गया बिकॉज मेरा फ्रेंड मार देता है, और यहाँ पे मेरा 2 राउंड हो जाता है अभी। अब 2 राउंड होने के बाद भाई कम बैक करने का थोड़ा सा चांस बन चुका था, और भाई सामने प्लेयर था जिसको मैं मतलब ग्रेनेड से डैमेज देने की कोशिश किया, और भाई लगा भी डैमेज बिकॉज मेरे को भी बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। अब यहाँ पे देखना ये क्या हमारा ये राउंड निकल पाएगा, अगर ये राउंड निकल गया तो भाई बहुत ही मजा आ जाएगा बिकॉज देखो मेरा फ्रेंड सब ड्रस कर रहा था और मैं ऊपर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर दे रहा था बिकॉज देखो मेरा फ्रेंड यहाँ पे मेरा कवर मिल रहा था एंड 2 प्लेयर डाउन हो गया। 2 प्लेयर डाउन होने के बाद अब थोड़ा सा एक प्लेयर और डाउन हो गया। अब लास्ट
प्लेयर बाकी था जो सामने था गाइस, और मोगो सिर्फ दिख रहा था बंदा, और मेरा फ्रेंड यहाँ पे करेक्टर ब्लॉक फेंक दिया। अब तो भाई उसको हारना ही है, बिकॉज हम लोग चारों प्लेयर थे और यहाँ पे हम लोग तीन तीन का सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लेते हैं। अब तीन तीन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब फाइनल राउंड होने वाला था, जिसमें गाइस वो सब भी बहुत ही ज्यादा हार्ड मतलब कर रहा था अपने पोसिंग। एंड देखो यहाँ पे एक प्लेयर को मैंने ग्रेनेड से डैमेज दिया और मेरा फ्रेंड डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे दो प्लेयर मतलब तीन प्लेयर सामने वाला बाकी रहता है, जो कि अब भाई हम लोग जीतने का चांस थोड़ा बढ़ गया था। और मेरे जाने से पहले भाई यहाँ पे रस बहुत गंदा वाला हो रहा था, देन मेरा फ्रेंड को यहाँ पे डाउन कर देता है। अब मैं पीछे से मार देता हूँ इसे, और भाई अब लास्ट प्लेयर बाकी रहता है, पर हमारे में भी बस लास्ट में ही खुद बाकी रहता हूँ, मेरा सारा प्लेयर डाउन हो जाता है, जो कि मैं जाता हूँ एंड भाई काफी अच्छे तरीके से पीछे से मार के एंड बोया निकाल लेता हूँ। और आगे ये वाला बोया वो सब भाई याद रखेगा, बहुत गंदा तरीके से बोया निकाला था। और यहाँ पे हमारा स्टार भी 81 का स्टार हो जाता है भाई। अब हमारा नेक्स्ट गेम जो लास्ट गेम होने वाला है, जो गाइस देखो यहाँ पे सामने प्लेयर था और उसे काफी मतलब डाउन एंड डैमेज दिया, और यहाँ पे देखो दो राउंड सामने प्लेयर को हो चुका है। अब भाई डिफिकल्ट होने वाला, ऐसे भाई तीन चार गेम इतना गंदा जा रहा था क्या ही बोलूं, मतलब अच्छे बंदे आ जा रहे थे। देन गाइस एक प्लेयर आया और इसे भी डाउन करता हूँ, और भाई अब दो प्लेयर अचानक से डाउन, देखो एक प्लेयर आया एंड इसे डाउन करा, बट भाई पीछे से बंदे आके मेरे को मार दिया। अब भाई 0-3 कर दिया था। अब भाई हारना तो है एंड हमें तो जीतना था, बिकॉज एक सेकंड वाले राउंड में पूरे स्क्वाड रश कर दिया। अब रश करने के बाद देखो यहाँ पे कितना गलत सीन होने वाला है, मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ और एक बंदे को भी ग्रेनेड नहीं लगता है, आई डोंट नो क्यों। और यहाँ पे देखो ये तीन तीन मतलब 3v3 का सिचुएशन था, जो कि उधर वाले प्लेयर को डाउन कर दिया। अब भाई 3v3 फिर से सिचुएशन हो गया, आगे वाले बंदे को भी काफी डैमेज दिया, बिकॉज मेरा किल नहीं हुआ वो, और मेरा फ्रेंड ने मार दिया। अब भाई 1v3 का मतलब अब ये राउंड निकालने का चांस था, बिकॉज देखो एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड निकल गया। और गाइस क्लच निकालने मतलब थोड़ा सा पैसा बना के रखना है तो निकल जाते हैं। देन हम लोग पे बहुत ज्यादा प्रेशर था गाइस, मतलब तीन उधर का था हम लोग का एक, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होने वाला था, तो हम लोग पूरे के पूरे पैसे बना के रखते थे। एंड गाइस तो मौका देखते ही हम लोग रश करते थे, मतलब मेरा फ्रेंड सब डाउन करता था और रश कर देते थे गाइस। यहाँ पे देखो ये वाला राउंड भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा फ्रेंड सब निकालता है, बिकॉज गाइस मतलब अभी थोड़ा सा हम लोग ना मतलब सफर बना के रखते हैं एंड भाई दो राउंड हम लोग का निकल जाता है यहाँ पे। अब तीसरे राउंड में भाई हम लोग को कुछ भी रिस्क नहीं लेना था, एंड भाई ये वाला राउंड अगर निकल गया तो अगला वाला राउंड तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज एक को मैंने डाउन कर दिया, वो छत पे था एंड भाई उसे पता ही नहीं था मैं यहाँ पे हूँ, और दो प्लेयर डाउन हो जाता है। अब तो भाई ये राउंड निकलने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ चुका है, आई डोंट नो हो भी सकता है नहीं भी। एंड सामने प्लेयर था गाइस जिसको मैं डैमेज देना चाहा, बट हो नहीं रहा था, बिकॉज एक प्लेयर ही बाकी रहता है सामने वाले प्लेयर, और एक प्लेयर देख के मैं ग्रुवल तोड़ने लगता हूँ, पूरे ग्रुवल तोड़ने लगता हूँ, मेरा फ्रेंड रश करता है। और भाई यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3-3 हो जाता है, और भाई 0-3 था और 3-3 हो गया हमारा। अब इतना कम बैक करने के बाद भाई जा रहा हार गए तो कितना गलत सीन होने वाला है वो आप लोगों को पता ही है, बिकॉज गाइस मैं यहाँ पे होमर ऑन करता हूँ, एक प्लेयर को लगता है जो कि मोको दिख जाता है भाई। एंड मैं यहाँ पे स्कार मेरे पास है, जो कि भाई काफी डैमेज देता हूँ, बिकॉज वो डाउन नहीं होता। अब मेरे पास ग्रेनेड है गाइस, ग्रेनेड से काफी मतलब ग्रेनेड से कुक करना चाहा, बिकॉज वो आगे भाग जाता है और भाई मेरा ग्रेनेड कोई काम का नहीं रहता। अब यहाँ पे दो प्लेयर उधर का डाउन कर देता मेरा फ्रेंड सब, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब भाई हो सकता है अगर बोया हो सकता है, बिकॉज मेरा फ्रेंड भी डाउन है एंड यहाँ पे बस लास्ट प्लेयर बाकी रहता है, मतलब कि भाई अब बोया होने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोया लिए थे, मतलब कि गाइस तीन गेम से इतना गंदा जा रहा था, 0-3 से भाई कमबैक कर रहे थे एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा बोया हो जाता है। और आज का टारगेट पूरा भाई 72 से स्टार्ट किए थे और हमारा से मतलब 82 हो गया यहाँ पे, और भाई आज इतना ही करना है मेरे को, मतलब 10 स्टार हर दिन प्लस करना है मेरे को। और दोस्तों यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हो उसके लिए थैंक यू भाई, और बहुत ही मजा आने वाला है। अब दो मतलब 20 स्टार प्लस करना है मेरे को, और इसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि भाई जितना हाई स्कोर उतना हाई बंदे आएंगे, तो देखते हैं कितना मजा आने वाला है। अभी तो भाई चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।